वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मलाई पनीर। सबसे पहले मैं कढ़ाई में रिफाइंड तेल को गरम कर लूँगी। जैसे ही रिफाइंड तेल गरम होगा, मैंने नमक मिलाए पनीर के क्यूब्स को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने करीबन 200 ग्राम जितना पनीर लिया है। दोनों तरफ से हमें हल्का से गुलाबी रंग का कर लेना है। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब उसी तेल में मैं चॉप किए हुए प्याज डालूंगी। यहाँ पे मैंने बारीक चॉप किए हैं। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूंगी। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इसमें धनिया का पाउडर डालूंगी। इसमें मैं हल्दी का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें हल्दी, लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैं इसका कलर वाइट रखना पसंद करती हूँ। अब मैं फेटा हुआ दही डालूंगी। करीबन 4 चम्मच जितना फेटा हुआ दही है। इसे हमें लो फ्लेम में इसे चलाना है। अब मैं काजू का पेस्ट, मैंने करीबन 8-10 काजू जिसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, उसके बाद इसे पीस लिया है। दही जाता है तो साथ में चीनी भी ज़रूर पड़ता है। अब इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से भून ना जाए और साइड से तेल ना निकलने लगे। इससे साइड से तेल निकलने लग रहा है, मतलब ये अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें जो फ्राई किए हुए पनीर है वो मिला दूँगी ताकि ये अच्छे से दही के मिक्सचर में कोट हो जाए। अब मैं 1 कप जितना पानी डालूंगी। मैंने जो जिसमें दही रखा था उसी के पानी डाल के इसमें मिला दिया है। अब इसे हमें उबलने देना है। नमक मिला देते हैं और इसको उबाल आने तक हमें वेट करना है। कुछ देर के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी। इसमें उबाल आने लगा है, इतनी ग्रेवी मैं रखूंगी अपनी सब्जी में। अब मैं इसमें जो 1 कप जितना बॉईल किया हुआ मटर मिला दूंगी। मटर को बॉईल करते समय मैंने नमक डाल दिया था। अब इसे हमें कुछ देर और पकाना है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी मिला दूंगी। हाथों की वजह से मैं क्रश करके कसूरी मेथी मिलाऊंगी। अगर आप फ्रेश मेथी मिलाना चाहते हैं तो आपको पहले से उसे फ्राई करके उसके बाद इसमें फ्रेश मेथी मिलाना है। इन सबको हमें अच्छे से मिला दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अभी कुछ देर मैं इसे स्टैंडिंग टाइम में रखूंगी और इसको सर्व करूंगी। मैंने एक बाउल ले लिया है, गर्मा गर्म मेथी मटर मलाई बनके तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसको नान के साथ, फ्राइड राइस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जो मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने मुझे पहले से सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसमें बटर मिलाऊँगी और साथ में फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हरा धनिया से मैं इसे डेकोरेट कर दूंगी। रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मलाई बनके तैयार है। इसे खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।